11 मई अभी साइक्लोनिक स्टॉर्म मोका सुबह 8:30 ऑब्जर्वेशन में, इसका लोकेशन साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में है। इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इज लोकेशन है लैटिट्यूड 11.4 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूड 88.0 डिग्री ईस्ट, और वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है फोर्ट ब्लेयर से 510 किलोमीटर दूर में। अभी जो फोरकास्ट है साइक्लोन का, ये मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वार्ड ही रहेगा और सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है आज नाइट तक। फिर इसका कल सुबह से रिकार्व होने का चांसेस है, रिकार्व होकर के हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वार्ड डिरेक्शन में जाएगा, फर्दर इंटेंसिफिकेशन भी होगा। 12 तारीख इवनिंग तक इसका वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में इंटेंसिफिकेशन होने का चांसेस है, 13th में इसका हाइस्ट इंटेंसिटी होगा। फिर इसका मूव करके हमारा क्रॉस करेगा साउथ ईस्ट बांग्लादेश एंड म्यांमार कोस्ट में, कॉक्स बाजार एंड कायको का बीच में सिटी म्यांमार में इसका क्लोज क्रॉस करने का चांसेस है 14th में अराउंड नून। अभी इसका रिगार्डिंग हमारा उड़ीसा के लिए कोई वार्निंग नहीं है, बट फिशरमैन को डीप सी एरिया में जाने के लिए मना है, फिशरमैन को डीप सी एरिया के लिए जाने के लिए मना है 14 मई तक फिशरमैन को डीप सी के लिए जाने के लिए मना है। बाकी हमारा उड़ीसा कोस्ट में कोई वार्निंग इसके लिए नहीं है। अभी हमारा थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश पिछले 24 घंटा में एक दो जगह में हुआ है, शुलियापारा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में 44.0 मिलीमीटर बारिश हाइस्ट हुआ है। अगला 4-5 दिन में अभी बारिश एक दो जगह करने कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट एडजोइनिंग इंटीरियर का एक दो डिस्ट्रिक्ट में होगा। जैसा नेक्स्ट 24 आवर्स में हमारा कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट केवंझर मयूरभंज ढेंकनाल कंधमाल मलकानगिरी कोरापुट रायगढ़ ऐसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हो सकता है। अभी टेम्परेचर जो है मैक्सिमम टेम्परेचर अगला 4 दिन में ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, 5th मीन 15 अनवॉन्टेड टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। अभी जो है ज्यादा चेंजेस नहीं है बट स्लाइट फॉल कर सकता है अगला 2 दिन में, बट इंक्रीजिंग नहीं होगा, स्लाइट फॉलिंग टेंडेंसी रहेगा बट ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इंटीरियर उड़ीसा में 40 एंड अबव टेम्परेचर कंटिन्यू करेगा कुछ कुछ स्थानों पर, और हॉट वेदर कंडीशन भी रहेगा इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में अगला 4-5 दिन में। भुवनेश्वर सिटी में हमारा कल टेम्परेचर मैक्सिमम था 38.6, आज हम अभी टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर 38 का आसपास, 37-38 का बीच में रहने का चांसेस है।